मुझे स्टैमरिंग काफ़ी सालों से थी और अब मेरी स्टैमरिंग काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। करीब 30 साल तक स्टैमरिंग थी, उसके बाद फिर मैंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जिससे मेरी स्टैमरिंग ठीक हो गई। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैंने कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, कैसे अब मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। अभी आप जैसे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, मेरी स्टैमरिंग काफ़ी सही हो गई है और मैंने घर पे ही कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जिससे कि मेरा ठीक हो गया। और मुझे बहुत ज़्यादा थी स्टैमरिंग, और मेरे पेरेंट्स से पूछें तो वो कितने टाइप के लोगों से पूछ रहे थे कैसे स्टैमरिंग ठीक करें, क्या करें क्या ना करें। और काफ़ी हद तक ये स्टैमरिंग मेरी ठीक नहीं हो पा रही थी। और मुझे ये स्टैमरिंग हुई क्यों थी, क्योंकि सेकंड क्लास में मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक था, इस वजह से मैं ज़्यादा बातें नहीं करता था। उसके बाद फिर लोगों ने मजाक उड़ाया, बच्चों ने मजाक उड़ाया, तो फिर मैं और पीछे हटता चला गया। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि मैं कैसे स्टैमरिंग ठीक करूँ। तो फ्रेंड्स, सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टैमरिंग घर बैठे कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, और हमें इस चीज़ में मोस्टली धीरे बात करनी है, ज़्यादा तेज़ बात नहीं करनी, आराम से बात करो, माइंड को रिलैक्स करो। और ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या करती हैं कि आपकी वोकल कॉर्ड्स को या आपकी जो टंग को उस फ्लो में लेके आते हैं कि आपको धीरे बात करना है, आराम से बात करना है। थैंक यू। आगे मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे मेल आईडी पे, इससे कि हम और अच्छे से बात कर पाएँ, समझ पाएँ। थैंक यू।